शिक्षा के जिससे जीवन में उजियारा है, जीवन में उजियारा है। शिक्षा हमसे छूट गई तो, शिक्षा हमसे छूट गई तो जीवन कर अंधियारा है। बहनों, हमें आज सीखना है अक्षर स और बड़ी ई। क्या बात है मौसी, कोई गाहक नहीं है क्या? अभी तक बोनी नहीं हुई? अरे भैया, मौसी की दुकान चले है शहर की दुकानों की तरह, नजर मत ही लगा। मौसी, अब तू ये दुकान बंद ही कर दे। अरे क्यों खोटी बात मुँह से निकाले हैं? चिट्ठी पत्री तो लावे ना, बेकार की बातें करे। तू कहे मौसी, तो आज चिट्ठी से भी अच्छी चीज ला दूं। अरे भैया, चिट्ठी से अच्छी चीज तो बस प्रेम है। वो क्या तेरे डाक के थैले में बंद है? अगर प्रेम होता तो उसे डाक के थैले में बंद क्यों करता, अपने कंधे में बिठा के न लाता? अब वो छोटा बालक ना है, 6 फुट का गबरू जवान है। वो तो है ही, ले यहाँ लगा अंगूठा। अरे भैया, तो ठप्पा तो दे। ये ले मौसी। पर मौसी, तू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेती? बड़ा नाम होगा तेरा। अरे भैया, मौसी का भतेरा नाम है वैसे, उसकी तू चिंता मत ही करे। हाँ, ये ले मौसी, पूरे 700 हैं और लिखा है कि हर महीने इतना ही भेजा करेगा। अरे जुग जुग जिए तू मेरे बच्चे। तो फिर कब बंद कर रही है दुकान? अब तो तू इस गाँव में सबसे मालदार हो जाएगी। मौसी कब से कंगली हो गई भैया हैं? और तू क्या सोचता है, ये पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूंगी ना? इन्हें तो मैं जमा करके रखूंगी, अपने प्रेम की बहू के लिए गहने बनवाऊंगी। अपने पर खर्च नहीं करोगी? ना, बिल्कुल नहीं। भूल गया तू? अरे मौसी ने तो एक ढेला भी कभी ना लिया, जब 3-3 दिन खील भी उड़ के मुँह ना गई। मौसी ने जो कमाया है वही खाया है। अरे तू तो बुरा मान गई मौसी। अरे भैया, बुरा क्यों मानूंगी? चलो बहन जी के पास पैसे दे आऊं, स्कूल जाने से पहले बैंक में जमा करा देगी। बैंक नहीं मौसी, बैंक बैंक। अरे वही तो कह रही हूँ भैया, बैंक बैंक। हाँ, देखो देखो, ये बन गई एक छोटी सी सीढ़ी, और सीढ़ी के डंडे अगर फैल जाए और एक लंबा डंडा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो बन जाता है अक्षर स। एक बार फिर से देख ले, ये बन गई सीढ़ी और सीढ़ी के डंडे फैल गए, हाँ, डंडों से बन गया स। नमस्ते। लो जी, मैं आ गई। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? अच्छा, आज हम लिखेंगे अक्षर स। ये एक लकीर टेढ़ी, फिर बिंदी, फिर दुम वाली लकीर, और अब एक लेटी हुई लकीर, खड़ा डंडा, और ऊपर छत वाली लकीर। है ना कितना आसान? एक बार फिर देखें। ये टेढ़ी लकीर, बिंदी, दुम वाली लकीर, लेटी लकीर, खड़ा डंडा और छत वाली लकीर, ये बन गया स। यहाँ मास्टर जी, राम राम। राम राम। आओ गजीटा, क्या बात है? मास्टर जी, इसे पढ़ दो।
किसकी चिट्ठी है? मेरी घरवाली की। क्या वो पढ़ी लिखी है? जी हाँ, अभी आगे और पढ़ रही है। तो तू क्यों नहीं पढ़ता रे? कब पढ़ूं मास्टर जी, सारा दिन मजूरी करके तो मुश्किल से रूखी सूखी जुटा पाऊं। तुझे प्रणाम लिखा है और लिखती है, यहाँ सब कुशल मंगल है, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, गीता बहन जी मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखती हैं, मुझे काम करने से भी रोकती हैं। मगर मेरा तो यही दिल करता है कि मैं उनको कुछ नहीं करने दूं, बस हमेशा काम करने दूं। और एक बात बताऊं, आजकल मैं उनसे कढ़ाई करना भी सीख रही हूँ, और जब पूरी कढ़ाई सीख लूंगी ना तो तुम्हारे लिए एक कुर्ता काटूंगी। खाली समय में मैं टोकरियां और पंखे बनाती हूँ, मुझे उससे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, वो सब जमा है, बहन जी मुझे कुछ खर्च करने नहीं देती। और भी बहुत कुछ लिखना था मगर कैसे लिखूं? तुमको कोई पढ़ना आता है? तुम कुछ पढ़ लिख भी तो नहीं सकते? वो दिन कितना अच्छा होता ना अगर तुम पढ़ लिख सकते। माँ जी के चरण मेरी ओर से छू लेना, तुम्हारी कमला। क्या सोचने लगे घसीटा? मास्टर जी कोई ऐसी सूरत नहीं कि मैं भी पढ़ सकूं? हाँ है, बिल्कुल है। दिन में तो तुम मजूरी करते हो ना? जी। तो रात के स्कूल में जाया करो। वो कहाँ है मास्टर जी? जगह थोड़ी दूर है, कोई चार कोस। चार कोस? चुमा खेड़ा गांव, वहाँ है रात का स्कूल। मास्टर जी चार कोस तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस दौड़ता हुआ पहुंच जाया करूंगा। ये एक है ना, इसको जोर लगाकर तोड़ मरोड़ दो तो बन जाएगी बड़ी ई। ये है एक, और एक से बनी बड़ी ई। लो मैं फिर आ गई। अब मैं पता है कौन सा अक्षर सिखाऊंगी? अब सिखाऊंगी बड़ी ई लिखना, बहुत ही आसान है। घबराना नहीं, चलो अब हम लिखते हैं बड़ी ई। ये बनाया छोटा सा डंडा, ये सांप जैसी एक लकीर, और ये सांप की दुम, ऊपर हसिया का फल और छत वाली लकीर। समझ गई ना? एक बार फिर लिखे बड़ी ई। ये छोटा डंडा, सांप जैसी लकीर, सांप की दुम, ऊपर हसिया का फल और ये छत वाली लकीर। दर्शन इस बार बहुत लंबा गायब हुआ और ऊपर से ये गाना वाना चक्कर क्या है भाई? ओए पंडिता, मैं इस बार ऐसी जगह गया सी जहाँ पाक के जाने के तूने कभी सपने देखे होंगे। मैंने क्या? अरे क्या बम्बई गया था? आहो बम्बई, अब तो लोग की उसे मुंबई कहते हैं जी। अच्छा, बहुत बड़ा शहर है जी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, पगड़ी पकड़ कर ऊपर देखना पड़ता है जी। अच्छा जरा जल्दी जल्दी बता तूने क्या क्या देखा वहाँ पर। क्या क्या बताऊँ पंडिता, सबसे पहले तो गेट पे ऑफ इंडिया देखा। हाँ मुझे भी पता है, जाट पुंजम जब भारत आए थे 1911 में उनके आने की याद में बनवाया गया था और उसका उद्घाटन हुआ था 1924 में। आहो का म्यूजियम, मरीन ड्राइव की सैर की थी। ओहो,
चुपाटी ते पेल पूरियां खादी। अरे वाह पंडित, शाम नू समुंदर दा किनारा वड्डा ही चंगा लगदा। बंबई समुद्र के किनारे बसा बहुत बड़ा शहर है। यहाँ दूर दूर तक ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। कमाल की बात है कि इस शहर ने भारत के सभी कोने के लोगों को आकर्षित किया और वो यहाँ आकर बस गए। इस शहर की चहल पहल बस देखते ही बनती है। यहाँ शाम को चौपाटी पर मेला सा लग जाता है। भेलपूरी, कच्चे नारियल का पानी और डूबते सूरज का मोहक नजारा। दर्शन, तुझे किसी प्रोड्यूसर ने हीरो बनने के लिए नहीं रोका क्या है? ओए पंडित, वो क्या हमें हीरो बनाएंगे? असी तो बने बनाए हीरो है गे। फिर मैंने सोचा पंडित, जे मैं हीरो बन गया तो त्रमेंदर का क्या होगा? दर्शन क्या था, वहाँ शूटिंग देखी थी? आहो पुत्तर देखी थी। ओए पंडित, भेज दे छोटू नू बंबई। क्यों क्यों क्यों? ओए है तो बना बनाया हीरो है गा। नहीं 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 नहीं, वो चला गया तो तुझे खाना कौन देगा दर्शन? पसीना, प स ई न आ, पसीना। और ये है पैसा, प आई स आ पैसा। कमाई, क म आ ई, कमाई। अब देखिए अक्षर स और बड़ी ई से और क्या क्या बन सकता है। क आ ई काई, म आ ई माई, न आ ई नाई, का म आ ई कमाई, ई स आ ई ईसाई। बहनों, हमें आज सीखना है अक्षर ब और ळ। रोटी खाएगा? अभी नहीं अम्मा, जाना है। पहले तो घर आते ही तो रोटी मांगे था, अब क्या हुआ? अरे हाँ, रोज शाम को कहाँ चला जावे तू? काम से जाता हूँ अम्मा। कोई मजूरी मिली है? मजूरी समझ ले, पर अम्मा इसके पैसे अभी नहीं, बाद में मिलेंगे। तब का फायदा? तू कमला को नहीं लाया रे? जब वो यहाँ होवे तो तू उसे भगावे, और जब चली जावे तो। मैं उसे भगा रहा? चाहे तुम दोनों ने कहा सांठ गांठ की और वो चली गई। चली गई तो चली गई, अब मैं क्या करूँ? उसकी चुटिया पकड़ के घसीटता वाला। तेरा नाम भी तो घसीटा है। होगा, पर मैं ये ना कर सकूं। जा जाके पांव पड़ जा उसके, निर्लज बेशरम कहीं का। जिसमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
इसका एक पहिया और दरवाजे के डंडे को पास पास रख दो तो बन जाता है अक्षर ब। बस ब। बस लो मैं आ गई। जल्दी आई ना। आज हम लिखेंगे अक्षर ब। ये एक गोला, ये खड़ा डंडा, गोले का पेट काट दिया, ऊपर छत वाली लकीर। समझ आ गया ना कितना आसान है। ये गोला, ये डंडा, पेट काट दिया और ये छत वाली लकीर। जाके तंग मत करियो बहन जी को। अच्छा गौरी तैयार हो गई कमला? हाँ बहन जी। बहन जी आप शाम तक तो लौट आओगी ना? पूरी कोशिश करूंगी कमला, लेकिन देखना अब इसके कानों की पूरी जांच करानी है। वैसे मैंने मौसी से कह दिया है, तू डरना मत, वो रात को आके तेरे पास सो जाएंगे। बहन जी मैं इसलिए थोड़ी ना कह रही थी कि मैं किसी से डरूं। डरती ना हूं मैं बिल्कुल भी। अरे क्या लिख रही है? ऐसे लिखती रहे वो तो। बहन जी आप जब घर से चली जाती हो ना तो दिल ना लगे मेरा। हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरी छोटी सी बहन बड़ी बहादुर है, लेकिन फिर भी मौसी आएंगी सोने के लिए, समझी तू? अच्छा एक बात बताओ तो, शहर में रहोगी कहाँ? पगली भूल गई? अरे बाबा मैं शहर से तो यहाँ रहने आई हूँ, बहुत जगह है मेरे पास रहने के लिए। अरे तो फिर यहाँ क्यों बैठी हूँ? अरे जल्दी जाओ बहन जी, बस निकल जाएगी। और फिर बस निकल गई ना तो ये सोच लेना कि 2 घंटे के बाद निकलेगी। हाँ चल बेटे चल। अरे नहीं कमला अभी बहुत समय है बस के लिए। बहन जी भी फिक्र तो हो जाए ना। गौरी इसे वहां रख के आओ। चल ये लो। शाबाश, और तंग बिल्कुल ना करना है। चलो बहन जी ध्यान रखो, जाना जल्दी आ जल्दी। अच्छा कमला चल। अच्छा ब स बस। अरे गीता तुम? जी हाँ मैं, लेकिन आपको तो ऊपर देखने तक की फुर्सत नहीं। सॉरी गीता, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम आओगी। ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है। बेटी या बेटी कैसी? फिलहाल ये आपकी मरीज है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गौरी बेटा, तो उस कमरे में जाओ। शाबाश। गीता ये बच्ची बोलती नहीं है क्या? हाँ आदर्श, एक हादसे में इसकी आवाज जाती रही। आवाज जाती रही कैसे? पिछले साल की बात है, एक दिन बोलो क्या हुआ? क्या हुआ गौरी? हाँ क्या हुआ बोलो, ये बोल ही नहीं पा रही है। बोलो क्या बात है, बोलो क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। हाँ और उस चीख के बाद ये कभी नहीं बोली। तुम्हें कब पता लगा? ये बेचारी तो बेहोश हो गई थी, कुछ लोग इसे उठाकर मेरे पास ले आए। बुलाओ तो उसे। गौरी यहाँ आओ बेटा जल्दी से, आ जाओ आ जाओ। आओ बेटा यहाँ आओ, बैठो बैठो। मुंह खोलो बेटा, आप तो आ जी मारने वाले
हाँ निकालो निकालो आ करो आ आ जब कुछ बोलो बेटा बोलो माँ बोलो माँ माँ हाँ जोर लो माँ ये तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची शायद ठीक हो सकती है सच कह रहे हो हाँ इसके लिए स्पेशलिस्ट से इसके कुछ चेकअप्स कराने होंगे वो मैं अरेंज करा दूंगा सच मानो आदर्श ये सुनकर मुझे बहुत ही ढाढ़स हुई लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी कौरी ठीक हो जाए इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर मैं कहूँ कि तुम्हें रोज के लिए नहीं गाना है तो इसके ठीक होने के लिए अगर ये जरूरी है तो मुझे ये भी मंजूर है समझता हूँ मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस बता दूंगा नेक्स्ट टाइम और वो तुम इसे घर पर ही करा सकती हो और ये कुछ दवाएं हैं फिलहाल ये दवाएं इसको दे दूंगा थैंक यू अच्छा मैं चलूं वरना बस निकल जाएगी चलो बेटा नमस्ते करो अच्छा ये है कढ़ाई वही जिसमें पकवान बनते हैं अगर इसका नीचे वाला कुंडा बड़ा सा हो जाए और ऊपर वाला कुंडा सीधा हो जाए तो वो बन जाता है अक्षर ड़ जैसा एक बार फिर देखो कढ़ाई ड़ जैसी हाँ इसके नीचे एक बिंदी भी होती है छोटी सी अगली बार जब कढ़ाई में पकवान बनाओ तो अक्षर ड़ा को नहीं भूलना अरे अरे कहाँ चल दे अभी तो एक और अक्षर सीखेंगे अक्षर र लिखें एक छोटा डंडा एक आधा गोला उसके बीच में और एक गोला नीचे बिंदी ऊपर छत वाली लकीर समझ आ गया ना आसान है ना फिर लिखें ये छोटा डंडा आधा गोला साथ में एक और गोला छोटा सा नीचे बिंदी ऊपर छत वाली लकीर बढ़ई 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 स ई ड ई सी डी पीढ़ी प ई ड ई पीढ़ी बाढ़ ब आ ड बाढ़ आओ देखी अक्षर ड का इस्तेमाल और कहां हो सकता है का ड आ ई कढ़ाई पा ड आ ई पढ़ाई फिर याद दिला दूं कि अक्षर ड कैसे बना अक्षर ड बिल्कुल कढ़ाई जैसा जिसका एक कुंडा सीधा हो जाए और एक बड़ा बन जाए तो बन गया ड और अब देखें कि ब कैसे बना बस का एक पहिया और डंडा साथ साथ रख दे तो बन गया ब
क्यों, है ना कितना आसान अक्षरों को समझना। चलते जाना।